तो नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और वाराणसी में जिस तरीके की जीत बीजेपी की हुई, प्रधानमंत्री मोदी का चुकी वो संसदीय क्षेत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से मेयर जो चुनी गई हैं वो क्या कह रही हैं, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बीजेपी को जीत मिली और यहां से बीजेपी की प्रत्याशी मृदुला जायसवाल लंबे मार्जिन से जीती। मेरे साथ मृदुला खुद है। मृदुला जी, सबसे पहले आपको बधाई, आज यहां से जीतते, क्या प्राथमिकताएं आपकी होंगी? जो जनता की जो मूल सुविधाएं हैं उनको ही पूरा करने का मेरा एक मोटो है। नहीं, आपकी टॉप प्रायोरिटी में 1, 2, 3 नंबर पे अगर कहा जाए तो वाराणसी की कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं जिस पे आप फोकस करेंगे? वो पेयजल है, सीवर प्रॉब्लम है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि पहले जो मूल सुविधाएं पूरी हो जाएं, जनता अगर इवेनली एक स्वच्छ जिंदगी जीने लगे उसके बाद सुंदरीकरण किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे इस बीच में? चैलेंजेस तो नहीं कहूँगी, हाँ एक संघर्ष कहूँगी कि संघर्ष तो करना ही है, काम बहुत है। आप काशी की जनता, आप भी हैं, हम भी हैं, सब लोग जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है। संघर्ष तो करना ही है, इसमें सबका सहयोग और सबका साथ चाहिए मुझे। 1.5 साल का लगभग समय बचा है लोकसभा चुनाव में और मोदी जी स्वच्छ भारत को लेके काफी अवेयर हैं, ऐसे में आपके पास काफी कम टाइम रहेगा, पूरा शहर गड्ढों से भरा हुआ है और काफी सारी दिक्कतें हैं, तो इन सबको इतने कम टाइम में किस तरह से पूरा करने का कुछ प्लान है आपके पास अभी? 100% की तो मैं वादा नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आपने देखा कि बीजेपी की प्रत्याशी मृदुला जायसवाल, जिन्होंने अभी जीत दर्ज की है वाराणसी से, हर हर महादेव के नारों के साथ उनके समर्थक इस जीत पर उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और उनका कहना है कि उनकी प्रायोरिटी में जो जनता की प्रायोरिटीज हैं, जिसमें स्वच्छता और पेयजल आदि की जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करना ही उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होगा। कैमरा पर्सन विशेष पांडे के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज वाराणसी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।